न्यूज़ पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। निरंतर कलम के सिपाही को दबाने के लिए पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे झांसी मीडिया के अध्यक्ष मुकेश वर्मा और उनके साथी के ऊपर एक दबंग किस्म के व्यक्ति द्वारा फर्जी मुकदमा नवाबाद थाने में दर्ज कराया गया है, जिसकी गरोठा पत्रकार संघ ने घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष पर लिखे गए फर्जी मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी पत्रकार साथी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पत्रकारों ने उपजिलाधिकारी महोदयों को किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज समझ गरोठा पत्रकार संघ साथियों ने उपजिलाधिकारी गरोठा को मीडिया क्लब अध्यक्ष झांसी मुकेश वर्मा जी एवं परमेंद्र सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमे को लेकर ज्ञापन दिया। राजा साहब द्वारा निरपक्ष पत्रकारिता कर रहे मीडिया क्लब अध्यक्ष के ऊपर फर्जी ST/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया और गरोठा पत्रकार संघ मांग करता है कि ऐसे फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अध्यक्ष के खिलाफ लिखे हुए फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए। नहीं तो यह गरोठा पत्रकार संघ की चेतावनी है कि अगर यह मुकदमा वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग धरने पर भी बैठेंगे, गरोठा से लेकर चाहे दिल्ली तक धरना करना पड़े। गुरसनाय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। साइंस बी फार्मा एम फार्मा BSc BTech MTech एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांड्रा विलेज झांसी रोड शिवपुरी।